बॉलीवुड के स्टार्स कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और आजकल बी टाउन में यंग एक्टर्स ने जो जलवा बिखेरा हुआ है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और इस सब में सबसे आगे चल रही हैं आलिया भट्ट, जिनकी फैन फॉलोइंग दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो हमारी ये स्पेशल स्टोरी आलिया के फैंस के लिए ही है, जो इस रिपोर्ट के जरिए देख पाएंगे आलिया की बेबाकी और साथ ही साथ जान पाएंगे उनसे जुड़ी हुई नई दिलचस्प जानकारियां। स्टार लाइफ को दर्शाते मोबाइल गेम के जरिए अब आप आलिया को उस गेम में भी देख पाएंगे। कार्टून्स की फॉर्म में ही सही, लेकिन वहां भी आलिया आपसे रूबरू होंगी। इस मोबाइल गेम को लेकर आलिया है काफी एक्साइटेड, क्योंकि इसमें इन्होंने अपनी आवाज देने के साथ साथ कई वीडियो भी शूट किए हैं। खुद ही सुन लीजिए क्या कह रही हैं आलिया। व्हाट इज द रीजन फॉर डूइंग एनीथिंग? क्योंकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन एक्सप्लोर समथिंग दैट इज न्यू एट द सेम टाइम वेयर इट हैज अ पैरेलल टू योर लाइफ। ये एक नैरेटिव एडवेंचर है सेट इन द एंटरटेनमेंट इंडियन इंडस्ट्री, एंड फॉर मी बोथ दीज स्पेसेस आर रेलिवेंट एट द सेम टाइम फॉर गेम्स, बिकॉज हमने बचपन में खेला है, एंड इंडस्ट्री बिकॉज आई बिलोंग टू द इंडस्ट्री, एंड व्हेन यू ब्रिंग दिस कॉम्बिनेशन टुगेदर आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉकटेल एंड समथिंग दैट आई वुड लव टू एंजॉय। मोबाइल गेम के अलावा आलिया अपनी रियल लाइफ में भी स्पोर्ट्स में काफी एक्टिव रहती हैं। एक्चुअली स्कूल में मैं काफी गेम्स खेलती थी, मैं हैंडबॉल टीम में भी थी, मैं टेनिस भी खेलती थी, स्क्वाश भी खेलती थी, फुटबॉल भी खेलती थी। अभी समय नहीं मिलता है गेम्स खेलने का, बट एवरी नाउ एंड देन वेन एवर मतलब एक डे ऑफ होता है तो मैं और अपने फ्रेंड्स हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं अपने फ्रेंड्स के गार्डन में। और मुझे एक्चुअली स्पोर्ट्स खेल में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज आई थिंक वो एक नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। आपको पता भी नहीं चलता आप 3 घंटे के लिए खेले जा रहे हो, आपका वर्कआउट भी हो जाता है, एक्सरसाइज भी हो जाता है, और आप एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग भी आती है। आलिया का ये मोबाइल गेम हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस से मिलता जुलता है, जिससे वो उनसे कंपटीशन नहीं बल्कि अपने फैन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। मैं किसी को कंपटीशन देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली ये सिर्फ किम कार्डशियन ने, ब्रिटनी स्पीयर्स ने भी, डेमी लोवाटो ने भी ऐसे गेम्स बनाए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा एक जॉनर है। और ये मेरी तरफ से फॉर माई इंडस्ट्री एक गेम है जो मैं एक जॉनर यहाँ पे ला रही हूँ। जैसे कि हमने दिखाया कि दिस इज इंडियाज फर्स्ट नैरेटिव एडवेंचर गेम, तो कम्पीट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। इस इवेंट पर आलिया ने ऐसे बहुत सी चीजें की जिन्हें देख करके सब बस आलिया को देखते ही रह गए, जिनमें सबसे बड़ी बात ये रही कि आलिया ने अपनी बेबाकी से अपने मीडिया एंड फ्रेंड्स को अमेज कर दिया। देखिए किस तरीके से अपने जवाब से कर रही हैं सबको लाजवाब। Just like this platform is not the right platform to talk about this, the same way a situation like that is not right. It's not right to be accosted by pictures and videos, keeping in mind the sentiments of the people involved. इस इवेंट का एक और हाईलाइट रहा और वो था आलिया का अटायर, जो कि फेमिनिज्म पर फोकस कर रहा था। आप खुद ही देखिए क्या कह रही हैं आलिया आपने इस लुक के बारे में। देखिए द रीजन आई ऑल्सो वोर दिस टी शर्ट टुडे इज नॉट क्योंकि मैं आज इसके बारे में पॉइंट करना चाहती हूँ। दिस गेम इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। तो अगर मैं आपको वर्चुअल सेंस में अपना पर्सनैलिटी दिखा रही हूँ तो ऑब्वियसली व्हाइल आई एम हियर टुडे एज वेल देयर हैज टू बी अ शेड ऑफ माय पर्सनैलिटी, नॉट जस्ट मी। तो उस वजह से एफ फॉर फेमिनिस्ट। ऐसी बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं जिनको लेकर के स्टार्स कभी कभी खुद ही शॉक में पड़ जाते हैं कि ऐसा उन्होंने कब कहा। ऐसा ही कुछ यहाँ आलिया के साथ भी हुआ, जब उनसे पूछा गया कि एक्टर्स बने सिंगर्स पर उनका क्या रिएक्शन है, तो देखिए किस तरीके से आलिया ने दिया अपना ये रिएक्शन। Who is not happy with a few singers? You. What? Who am I to be unhappy with singers? मैं एक एक्टर हूँ, आई हैव नेवर सेड एनीथिंग लाइक दैट, एंड आई मीन इफ आई एम एन एक्टर एंड आई एम सिंगिंग आई ओनली सपोर्ट अदर एक्टर्स टू सिंग। और फाइनली यहाँ आलिया ने ये भी क्लियर कर दिया कि वो किसी ब्रेक पर नहीं जा रही हैं, जिसके कि रूमर्स आजकल हर जगह क्रिएट कर रहे हैं। बस पहले तो मैं लंबी सी छुट्टी के लिए नहीं जा रही हूँ, मैं इधर ही हूँ, और अगर जाऊंगी मैं तो मैं मतलब 8-10 दिन के लिए जाऊंगी, बट दैट्स ओके। आई थिंक वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि मैं जाके खाना वाना खाती हूँ वहाँ पे।